डेथ हुई वो लड़की है, और जो इसमें हीरो के इसमें काम करने वाला जो लड़का है जिशान, उनके दोनों के आपस में फ्रेंडशिप की और बाद में उनके प्रेम के संबंध आ गए। तो इसी में वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया, तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी, और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहां पे जाके सुसाइड कर लिया है। और वो उसकी माँ ने कंप्लेन देने के बाद, श्रीमती शर्मा ने कंप्लेन देने के बाद उसको ऊपर वाली पुलिस स्टेशन में CR नंबर 1359 IPC 306 गुना दाखिल हुआ है, और उसमें वो आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। आरोपी को आज वसई कोर्ट में पेशी कर दी थी और 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग क्लियर कट आया हुआ है। क्या कुछ इस एंगल से भी जांच हो रही कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या कभी हो गया, उस पर्सपेक्टिव से भी पुलिस जांच कर रही है? वो तो अब पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाता है, अगर हत्या है तो वो भी क्लियर होता है, और ये अपना हैंगिंग है तो उसमें पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाता है। वो भी जेजे हॉस्पिटल में किया है और वो डॉक्टर की टीम ने किया हुआ है, तो उसमें क्लियर कट आया हुआ है कि डेथ ड्यू टू हैंगिंग। क्या ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी जब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके आप तो किस तरह से जांच आगे बढ़ा रहे हैं, जांच में किन किन लोगों से पूछताछ होगी, और आप क्या कुछ टेक्निकल एविडेंस भी जमा करने की कोशिश? जो इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आ जाएंगे उनको हम तहकीकात करेंगे, उनका स्टेटमेंट ले लेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, क्या प्राथमिक तौर पर क्या बात सामने आई कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया ऐसा चार्ज है, तो ऐसी कौन सी इमीडिएट घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से इन्होंने ये कदम उठाया? उसने वो वही ब्रेकअप होने की वजह से उसने ये कदम उठाया है। सर, क्या पूछताछ में बताया हो कि कल ऐसे क्या इंसिडेंट हुआ उस समय स्पॉट पर कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? अभी वो तो उसको ही मालूम रहेगा, क्योंकि क्या कल उसका ब्रेकअप चल रहा था, वो माँ को भी उसने बताया था कि ये लड़का ब्रेकअप किया हुआ है और मेरे से बात नहीं करता और मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है, तो इसी टेंशन में उसने वो कल उसके रेस्ट रूम में जाके हैंगिंग कर दिया है। सर, एक्स्ट्रा फेयर और ग्लव यहाँ के भी बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक तो सामने नहीं आया हुआ। सर, आप लोगों को कैसे जानकारी मिली और अभी तक क्या कार्रवाई पर थोड़ा सा डिटेल? पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस वहां पे गई है, वहां से फिर डेड बॉडी हॉस्पिटल में थी, वहां पे भी पुलिस गई हुई है और उसके मां ने उसके कंप्लेन दिया है, तो गुनाह दाखिल कर दिया है। ये बात भी सामने आई कि वो जो आरोपी है उसका किसी और के साथ अफेयर शुरू हो गया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है सामने। मां ने किस बेस पर, कुछ तो बेस बताया होगा ना कि लड़की को परेशान कर रहा था ब्रेकअप के बाद, कुछ तो आधार बताया होगा ना, क्या आधार? वो इन्वेस्टिगेशन में सामने। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।